Hello guys, welcome to my YouTube channel Garden Guide. Please like, share and subscribe my channel and push the bell icon to get the notification. दोस्तों आप ये मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, देखिए इसमें कितनी कलियां आ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके चमत्कारी 6 फायदे वे इससे अधिक फूल पाने के तरीकों के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं वो कुछ कारण जिनकी वजह से गुड़हल को हमें अपने पौधों में स्थान देना चाहिए। नंबर 1, गुड़हल के फूल व पत्ते खून व मेमोरी को बढ़ाते हैं। इसके लिए गुड़हल के 20 फूल व पत्तियों को पेस्ट बनाएं और 1 गिलास दूध के साथ डेली लेने से फ़ायदा होगा। इसके पत्तों को पीसकर शहद मिलाकर लगाने से मुहासे व दाने दूर हो जाते हैं तथा स्किन सुंदर हो जाती है। इसे बिना चीनी मिलाए बर्फ के साथ पीने से वजन कम होता है। यह किडनी से संबंधित रोगों में फ़ायदा करता है। इसके सेवन से मूत्र अधिक आता है जिससे गुर्दे साफ और निरोगी हो जाते हैं। इसकी पत्तियां चबाने से मुंह के छालों में फ़ायदा होता है। बालों की चमक व मजबूती के लिए गुड़हल के ताज़े फूलों को पीसकर मेहंदी में मिलाकर लगाना लाभदायक होगा। इस पौधे से अधिक फूल लेने के लिए आप इसमें 15-15 दिन के अंतराल पर विभिन्न फर्टिलाइज़र प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि केले के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र, 2 या 3 केले के छिलके व नींबू व खीरे के छिलके 2 दिन पानी में रखें, वो पानी अपने गमले में डालें। 15 दिन के बाद मस्टर्ड केक से बना फर्टिलाइज़र, 1 चम्मच मस्टर्ड के पाउडर को 1 लीटर पानी में डालें और अगले दिन उस पानी को अपने गमले में डालें। प्याज व लहसुन के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र भी आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप अपने गुड़हल के पौधों में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी या 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर भी फ़ायदा पा सकते हैं। इस पौधे पर मिनी बग्स बहुत जल्दी लगते हैं, इन्हें दूर करने के लिए भी आपको उपाय करनी चाहिए। कुछ हरी मिर्चें लें वे कुछ लहसुन की कलियाँ लें, इन्हें मिक्सी में बारीक पीस कर छान लें वे 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे को अच्छी तरह धो दें। ये क्रिया आपको शाम के समय ही करनी है। 2 चम्मच डिटॉल व 1 चम्मच हैंड वॉश को 1 लीटर पानी में मिलाकर तैयार लोशन को भी पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पानी भी पौधों पर छिड़क सकते हैं, ये भी फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।